Hello students, welcome back to my channel. So in today's video we will do the forming feminine gender. Last video में हमने जो the nouns of gender हैं उसका basic किया था. अगर आपको basic पहले आपको basic है जो concept है वो clear होना चाहिए. इसके लिए जो last video है उसमें आपको वो video आपको देखना पड़ेगा. So let's start the video. Rule number first. By adding e double s after masculine gender. So इसमें क्या होगा कि अगर हम e double s add कर देंगे, जोड़ देंगे पुलिंग में, तो वो स्त्रीलिंग gender बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा. जैसे कि author, author होता है लेखक, और authoresses, इसमें e double s वो हमने जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, तो ये स्त्रीलिंग बन गया और ये पुलिंग है. सेम ही इसमें हुआ है बैरोन, नवाब, बैरोनेस, इसमें भी ई डबल एस का यूज़ किया है. ऐसे ही काउंट, गणना, काउंटेंस. सो डेकन जो चर्च के ऑफिसर होते हैं, सो इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम रूल है, वो हम फॉलो कर रहे हैं. सो डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, गॉड, भगवान, गॉडेस, होस्ट, मेज़बान, होस्टेस, हेयर, वारिस, सो हेयरेस. सो इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें. अब हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड पर. जो रूल नंबर सेकंड है उसमें हमें जो पुलिंग शब्द हैं, लाइक मस्कुलिन जो वर्ड्स हैं, उनके जो लास्ट वाला वोवल है, वोवल मीन्स स्वर, उसको हटा के उसके साथ में ई डबल एस को जोड़ना है, ऐड करना है. By adding the suffix ई डबल एस after dropping the final vowel in the masculine. So there are some examples like actor, अभिनेता, actress. Okay? So इसमें हमने क्या किया है, जो vowel था उसको हटा दिया है. So वोवल को हटाने के बाद में हमने ई डबल एस का यूज़ किया है. एडवेंचरर, खोजी, इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो हुई है. एडवेंचरस, कंडक्टर, सो कंडक्टर, एंड द एडिटर, संपादक, एडिटरस, द वेटर, सेवक, वेटरस, इसमें जो लास्ट वोवल होगा अगर मस्कुलिन में, तो उसको हटा के ई डबल एस का यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा. अब हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की. एडिंग ई डबल एस आफ्टर लिविंग वोवल प्लस कॉन्सोनेंट इन दी एंड. जो लास्ट वाला वोवल है मीन स्वर है, स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, प्लस कॉन्सोनेंट जो बाकी के बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं उनको व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट बोलते हैं, को छोड़कर, ठीक है, उनके साथ ई डबल एस का यूज़ करेंगे. अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिसके बेस पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा. जैसे कि अबोट, मठा, धीश, एबेस. ओके, सो ई डबल एस का यूज़ हो गया. सो एम्परर, शासक, एम्प्रेस, इसमें हमें एक तो वोवल छोड़ना है लास्ट वाला, और कॉन्सोनेंट भी एक छोड़ना है. उसको छोड़ के बाकी जो वर्ड्स बचते हैं उनके साथ में ई डबल एस का यूज़ करना है. जैसे ये बचा, इसमें वोवल भी छोड़ दिया और एक कॉन्सोनेंट छोड़ दिया, तो ए डबल बी ई डबल एस बन गया, ठीक है. एम्परर, शासक, इसमें भी एम्परर, ठीक है, इसमें भी जो वोवल है और जो कॉन्सोनेंट है वो हमें छोड़ना पड़ेगा. सो मास्टर एंड दी मिस्ट्रेस, ठीक है. अब रूल नंबर फोर्थ करेंगे. सम कंपाउंड नाउन्स आर चेंज्ड बाय चेंजिंग फर्स्ट वर्ड. जो कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिनमें हाइफन होता है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है. अब ब्रदर इन लॉ है, ये पुलिंग है, अगर हमें इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो इसका जो ये फर्स्ट वर्ड है ना, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ब्रदर की जगह सिस्टर आ जाएगा, इन लॉ,
वैसे का वैसे, तो ये क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, यानी कि फेमिनाइन बन जाएगा। कोक स्पैरो, इसमें जो ये नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड है यहाँ हैन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हैन स्पैरो। ही गोट, ये क्या है, पुलिंग है बकरा, और इसका शी गोट हो जाएगा। वैसे ही मैन सर्वेंट में क्या आ जाएगा, मेड सर्वेंट। अब रूल नंबर फिफ्थ करेंगे, सेकंड वर्ड इन द कंपाउंड नाउन्स ऑफ मस्कुलिन आर चेंज्ड इन द फेमिनाइन वर्ड्स। जो इनका सेकंड वर्ड होगा, ये हो गए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड वर्ड्स हैं ये, तो जो इनका जो सेकंड वर्ड है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि पी कॉक मोर, पी हैन, इसका हमने क्या कर दिया, सेकंड वर्ड चेंज कर दिया। लास्ट वाले रूल में हमने पहला वर्ड चेंज किया था और इसमें हमने क्या किया, सेकंड का चेंज कर दिया। स्टेप फादर का स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन हो जाएगा, स्टेप मदर, ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर, वॉशरमैन धोबी का वॉशर वोमैन। ऐसे ही अब हम बात करेंगे रूल नंबर सिक्स की, बाय सब्स्टिट्यूटिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। इसमें जो वर्ड है वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से ही क्या होगा, डिफरेंट होगा, मीन्स अलग होगा। जैसे बैचलर का क्या होगा, मैड, बॉय का क्या होगा, गर्ल, ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर, ब्राइडग्रूम का क्या होगा, ब्राइड, दुल्हा, डॉग का क्या होगा, बिच, कुत्ता का कुतिया, हस्बैंड यानी कि पति का क्या होगा, पत्नी, सन बेटा, और डॉटर बेटी। अब जो रूल नंबर सेवन है उसमें जो मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन का जो फॉरेन ओरिजिन है वो देखेंगे, लाइक फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर, शासक, एडमिनिस्ट्रेशन, हीरो का हीरोइन, सुल्तान का सुल्ताना, एंड द एजुकेटर का एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रस। अब ये गाइस एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा क्या है, और इसमें हमें इनके फेमिनिन जेंडर के बारे में पता लगाना है और इसमें मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पता लगाना है। लैंडलॉर्ड का क्या हो जाएगा, लैंडलेडी, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन, वेटर का क्या हो जाएगा, वेट्रेस, एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए थे उनका इसमें यूज़ करना होगा, वेटर का ई डबल एस वाला यूज़ हो जाएगा इसमें, एडिटर सेम रूल सेम, वेटर का हंटर, डॉग का बिच हो जाएगा, मॉन्क का, मॉन्क होता है भिक्षु, सो एम्परर, ठीक है। सन इन लॉ का क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ, ड्रैक, नेफ्यू का नाइस हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, हीरो का हीरोइन हो जाएगा, गॉड का गोडेस हो जाएगा, अंकल का आंट हो जाएगा। ऐसे ही ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग अब आपको फाइंड करना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स।